हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, हम लोग निकलते हैं अपने घर से नूसा पेनिडा के लिए। तो गाइस, ये जो रोड है ये हमारे घर के पास है। इस रोड के दोनों तरफ है खेत और ये खूबसूरत नज़ारा है और हमें बहुत मज़ा आता है क्योंकि हम रोज़ यहाँ से आना जाना करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और काफ़ी शॉर्टकट्स भी पता चल गए हैं। फिर हम यहाँ से निकल गए नूसा पेनिडा के लिए। हमारी सुबह की स्पीड बोट थी और एक तूतू है जो हमें बहुत डराता था पर काटता नहीं था। देख सकते हो यहाँ पे ना काफ़ी रश रहता था रोड पर, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता था। और लेकिन ये कुछ भी नहीं है, इससे भी ज़्यादा रहता था। फिर भी मतलब उस दिन लकी थे कि कम ट्रैफिक था तो हम लोग आसानी से निकल गए थे यहाँ से। तो गाइस, फिर हम पहुंच गए नूसा पेनिडा के लिए। जो हमें स्पीड बोट मिलनी थी वो मिलनी थी सनूर पोर्ट पर, जहाँ पे से हमें नूसा पेनिडा के लिए स्पीड बोट लेना था। वहाँ पे इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे स्टॉल बने हुए थे जहाँ से आप नूसा पेनिडा के लिए स्पीड बोट ले सकते हैं। और फिर हमने भी एक स्पीड बोट यहीं से ही, हमारी जो स्पीड बोट की जो टिकट थी वो हमने यहीं से बुक करी थी यहाँ आने के बाद। फिर हम अंदर आ जाते हैं और हमारी जो नूसा पेनिडा के लिए जो स्पीड बोट थी उसकी टिकट थी लगभग 1600 रुपये, आना जाने का दोनों इंक्लूड था पर पर्सन, तो पर पर्सन पड़ी थी हमें 1600 रुपये की। इसमें आप कभी भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं था कि 24 आवर्स के बाद आना है या 2 डेज़ के बाद आना है। उनसे आप बात कर लीजिए वापस आने की, वो मतलब कब आ सकते हैं वापस, ऐसा उन कुछ। और उसकी टाइमिंग भी होती है, शायद लास्ट जो बोट थी वो 3 या 4 बजे की थी। हमारी वाली जो बोट थी वो 3 या 4 बजे की लास्ट बोट थी, तो ये भी पता करना पड़ता है क्योंकि शाम के टाइम पे नूसा पेनिडा की जो समुद्र है वहाँ की लहरें बहुत तेज़ हो जाती हैं, तो इस वजह से 3 या 4 बजे इनका लास्ट बोट होता है। एक्चुअली हमको है ना पार्किंग के वहीं पे एक बंदा मिल गया था, वो हमको काउंटर पे ले आया है। यहाँ पे देखते हैं कैसा क्या रेट है। वहाँ पे आए, हमारी बुकिंग हो गई, ऐसा पास मिलाएगा और वहाँ पे बोट आएगी। हमारी स्पीड बोट है, 3 लाख यानी 800 1600 रुपये लिए हैं आने जाने के।
इससे सस्ते में भी हो जाता बार्गेनिंग करते तो, पर हमने नहीं करी। तो ऐसी भयंकर भीड़ लगी हुई हमारे पीछे, हमको भी शायद इसी लाइन में लगना है, चलो चल के देखते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या, जो वो बंदा था ना जिसके थ्रू हमने टिकट ली, उसने बोला कि भैया 9 बजे की बोट हैगी और जल्दी जल्दी चलो करके टिकट के पैसे भरवा दिए, सब करवा दिया, बोले कि हम मेरा क्रू मेंबर मिल जाएगा यहाँ पे। वो बंदा गायब है ना। आप ये टिकट पे टाइम देखा और बोट का नाम देखा, तो बोट का नाम अलग था और टाइम है उसका 10 बजे का, 10 बजे निकलेगी भैया। एक घंटा हम यहीं पर फुद्दू की तरह बैठना पड़ेगा, 9 बजे वाले लोग भाग जा रहे हैं। तो आप अगर आओ यहाँ पे तो बोट बुक जब करो तो टाइम कंफर्म कर लेना, और जो वो देंगे रिसिप्ट एसी, देखो एसी रिसिप्ट देंगे तो इस पर टाइम भी लिखा हुआ है, तो इसका टाइम भी देख लेना जब उनसे लोगे तभी पैसे देने से पहले। हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं मूसा पेनिडा। हाँ। और यहाँ से भी स्पीड बोट जाती ना, वहाँ आके हम खड़े हो गए। हाँ। हम लोगों ने टिकट ले ली और हमारा केक कट जाएगा, बोले 9 बजे की स्पीड बोट है, 10 बजे की निकली, और वो जिस बंदे ने टिकट दिलाई थी वो गायब। तो अभी एक घंटा बैठना, तो एक घंटा भी टाइम पास करेंगे। पर वहाँ पे भी मैंने बोट देखी थी, बोट आई थी, यही नाम लिखा था। हाँ, तो अभी बोटिंग चालू नहीं हुई ना, अभी दूसरी बोटों की बोटिंग चल रही है। बैठ रहा हूँ, आराम करेंगे थोड़ी। तो अभी अपन हेलमेट भी लेकर आए सच में। हाँ, क्योंकि यहाँ ना हमारा खरीदे हुए हेलमेट है, 6 महीने से यहाँ रह रहे हम लोग, तो हमने हेलमेट खरीद लिए थे। तो वहाँ पे अगर ये हेलमेट यही हम पार्किंग में रख के जाते तो वहाँ पे वो दूसरा देते, ना पसीना बहुत आता है यहाँ पे, गर्मी और बारिश में भी मतलब लपक के पसीना आता है, इतनी गर्मी हो जाती है यहाँ पे। तो हम हमारा खुद का हेलमेट ज़्यादा प्रेफर करते हैं, थोड़ा हाइजेनिक हो जाता है। हाँ, कभी से भी एक दो बार की बात धक जाता है। शुरू में तो हमने धकाया था, बहुत धकाया था। फिर वो सर में ना इचिंगनेस होने लग गई थी, ना इचिंग होने लग गई थी, ना बहुत तकलीफ होने लग गई थी, डैंड्रफ भी बढ़ गया था। तो मैंने बोला यार अलग हेलमेट लेके रख लो परमानेंट। हाँ, तो हमारी बोर्डिंग चालू हो गई भी है 5 मिनट बाद, इस पर लिखा 10 बजे निकलेगी, देखते कितने बजे निकलती है।